बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल में कीमा स्प्रिंग रोल। बाज़ार में मिलने वाले स्प्रिंग रोल जिस तरह थोड़े से कीमे से ढेर सारे स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार करते हैं, उसी तरह आप भी कम कीमे से ज़्यादा स्प्रिंग रोल बनाकर अपनी इफ्तार दावत में शामिल कर सकते हो। ये कीमे के रोल किस तरह टेस्टी और ज़ायकादार बनते हैं, चलिए देख लेते हैं। कीमा रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें कीमे को बॉईल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 250 ग्राम मैंने मटन का कीमा ली हूँ, इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। कीमे को मैंने अच्छी तरह से धोकर इसका सारा पानी अच्छे से निकाल लिया है। टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डालेंगे और 2 मिनट के लिए हम कीमे में जो पानी निकलता है ना, उसे सुखा लेते हैं। यहाँ पर मैं मटन के कीमे से ये रोल बना रही हूँ, आप चाहे तो चिकन के कीमे से भी रोल बना सकते हो। अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा पानी डालेंगे, तो आधा ग्लास पानी डाल रही हूँ मैं। ये देखिए, आधा ग्लास पानी डाल दिया है। अब इसे ढककर हम मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक कीमे के गलने तक पका लेते हैं। और कीमे में जो भी पानी होगा उसे अच्छी तरह से सुखा लेना है हमें। कीमे को गलते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। कीमे में जो भी पानी है उसे अच्छी तरह से सुखा लेना है। तो कीमा भी यहाँ पर हमारा गल चुका है, ये आप देख सकते हो। कीमे को मैं साइड में कर देती हूँ। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, तो 2 चम्मच तेल डाल देती हूँ मैं। मसाले यहाँ पर भूनने हैं हमें। 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 मिनट के लिए हम अदरक लहसुन को भून लेते हैं, ताकि अदरक लहसुन में जो भी कच्चा टेस्ट है वो चला जाए। 1 मिनट हो गया है, कीमे में मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे, तो गैस की फ्लेम धीमी कर देती हूँ मैं। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली हूँ, 1 चम्मच मैंने कूटी हुई लाल मिर्च ली हूँ, मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हो। 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच मैंने बिरयानी का मसाला लिया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो इसकी जगह पर तंदूरी मसाला भी डाल सकते हो, चिकन या मटन का, या फिर नॉर्मल घर का जो गर्म मसाला है वो भी ले सकते हो। 1 चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, ये डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही में मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च ली है बारीक काट कर, तो ये भी डाल देते हैं। आप मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो इसमें। 1 मिनट के लिए मसाले को भून लेते हैं हम कीमे के साथ। गैस की फ्लेम ये टाइम पर मैंने धीमी रखी है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट कर ली हूँ, ये डाल देंगे। ये कीमा रोल की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने देखिए 150 ग्राम पत्ता गोभी को बारीक क्रश करके ली हूँ और इसका सारा पानी मैंने अच्छी तरह से निचोड़ ली हूँ। ये देखिए, पत्ता गोभी का मैंने पानी निकाल लिया है, ताकि जब हम रोल बनाए तो रोल हमारे नरम ना पड़ जाए, इसीलिए ये डालने से हमारी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप सिर्फ कीमे से ही इसे बना सकते हो। छोटी आधी कटोरी मैंने शिमला मिर्च को बारीक काट कर लिया है, ये डाल देंगे। अब देखिए, बाजार में जो कीमा रोल मिलते हैं ना, उसमें इसी तरह से वो लोग सब्जियां डाल देते हैं, तो सब्जियों के टेस्ट के लिए इसमें 1 चम्मच हम डार्क सोया सॉस डालेंगे। अगर आप सब्जियां इसमें नहीं डाल रहे हो तो सोया सॉस डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सब्जियां डालने से थोड़ी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। और 1 चम्मच मैंने व्हाइट विनेगर लिया है, ये भी डाल देते हैं। अगर आप सब्जियां नहीं डाल रहे हो, सिर्फ कीमे से बना रहे हो, तो आपने ये दोनों चीजें बिल्कुल भी नहीं डालना। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। और आप चाहे तो इसमें गाजर को भी क्रश करके ले सकते हो। थोड़ा सा इसमें मैं नमक डालूंगी, कीमे में हमने नमक डाला है, तो सब्जियों के हिसाब से इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और तेज आंच पर 2 मिनट के लिए इसे भून लेते हैं हम। बहुत ज्यादा इसे भूनना भी नहीं है, जो सब्जियों का क्रंची टेस्ट है बस वही चाहिए हमें। आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ 250 ग्राम कीमा लिया था और इसकी क्वांटिटी माशाल्लाह कितनी बढ़ गई है। तो अगर आपके घर में फैमिली मेम्बर ज़्यादा हो और कीमा अगर कम हो, तो आप इस तरह से सब्जियां डालकर ये कीमा रोल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। खाने में भी टेस्ट बढ़ जाता है इस तरह से सब्जियाँ जब डालते हैं तो।
दो मिनट हो गए हैं, तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। और मेरे पास बारीक कटी हुई हरी प्याज थी तो मैं ये डाल रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाले, मेरे पास फ्रीज में पड़ी थी इसीलिए डाल रही हूँ मैं इसे। गैस को मैंने बंद कर दिया है, इसे मिक्स कर लेते हैं और एक प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा कर लेते हैं। ये जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसके हम रोल बनाएंगे। कीमा रोल का मसाला ठंडा हो गया है, अब इसमें हम बारीक कटे हुए हरे धनिया के पत्ते डालेंगे। अगर गरम गरम में ये हम हरा धनिया डाल देते तो ये काला पड़ जाता, इसीलिए हम ऊपर से डालते हैं ताकि ये ठंडा हो तो हरा धनिया और पुदीने के पत्ते काले ना पड़े। तो यहाँ पर थोड़े से पुदीने के पत्ते भी लिए हैं मैंने, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है और आप क्वांटिटी भी देख सकते हो कि सिर्फ हमने 250 ग्राम ही मटन का कीमा लिया था और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी हो गई है। अब देखिए कीमा रोल के लिए मैंने बाजार से ये तैयार शीट्स ले ली हूँ, इस तरह से बाजार में पैकेट मिलते हैं इसके, ये एक के ऊपर एक चिपकी होती है, इसे निकालकर हमें इसके रोल बनाने होते हैं। तो अगर आप ये बनाना सीखना चाहते हो तो आपने मैदे का आटा ले लेना और उसमें थोड़ा नमक डालकर और एक चम्मच तेल डालकर थोड़ा सा टाइट आटा तैयार कर लेना और दो छोटी छोटी रोटी बना लेना इस तरह से पूरी के नाप की, और एक पूरी पर आपने तेल लगा लेना अच्छा सा और थोड़ा सा सूखा आटा डालकर उस पर दूसरी पूरी रख देनी है और पतली रोटी बेल लेनी है और तवे पर थोड़ा सा सेक लेना उसे, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। तो ये रोटी दो रोटी बनकर तैयार हो जाती है, उससे ये शीट्स तैयार हो जाती है हमारी। तो ये शीट्स ले लेंगे और बाकी शीट्स को हम थैली में डाल देते हैं पैकेट में ताकि ये कड़क ना हो जाए। रोल को चिपकाने के लिए मैंने 4 चम्मच मैदा लेकर उसमें 4-5 चम्मच पानी डालकर ये देखिए घोल बनाकर तैयार कर लिया है इस तरह का। आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी ये घोल बनाकर तैयार कर सकते हो। तो चलिए रोल किस तरह से भरते हैं मैं आपको बता देती हूँ। अब एक शीट्स ले लिए मैंने, उसमें हम कीमे का मसाला डालेंगे, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक थोड़ा कम या ज्यादा डाल सकते हो। साइड की किनारियों को छोड़ देंगे हम और इसे उठाकर हमें फोल्ड कर देना है और यहां पर हम मैदे का घोल लगा लेते हैं दोनों तरफ लगा लेंगे किनारियों पे मैदे का घोल और इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये देखिए और इधर की किनारियों को भी हम फोल्ड कर देंगे ताकि जब हम रोल को फ्राई करें तो कीमा बाहर ना आए और तेल अंदर ना जाए। अब इसे पकड़कर हम दबाते हुए फोल्ड कर देंगे। अब ये किनारियों पर भी मैदे का घोल लगा लेना है, थोड़ा घोल ज्यादा ही लगाए ताकि अच्छे से चिपक जाए ये। अब फोल्ड कर देंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह से बाकी सारे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर सारे कीमे के रोल बनाकर तैयार कर लिए हमने और आप देख सकते हो कि सिर्फ 250 ग्राम कीमे में हमने कितने सारे रोल बनाकर तैयार हुए। यहाँ पर टोटल हमारे 18 रोल बनकर तैयार हुए और आप देख सकते हो कि माशाल्लाह इसकी साइज भी कितनी बड़ी है। हमने इसमें पत्ता गोभी और जो भी सब्जी ऐड की है उससे क्वांटिटी बढ़ जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। अगर आप ज्यादा रोल बनाएं तो आपको जितनी जरूरत हो उतने आप रोल फ्राई करें और बाकी के रोल को आप एयरटाइट डब्बे में या फिर जिपलॉक पैकेट में रखकर स्टोर भी कर सकते हो, तो ये 2 हफ्ते तक खराब नहीं होते। तो चलिए अभी ये रोल को हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर रोल को फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लिया है और जिस साइज का आपका रोल हो, यानी हमने बड़े रोल बनाए हैं तो उस साइज का आपने पैन ले लेना है चौड़े साइज का। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है, रोल को हम फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे गरम तेल में डालना है और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। तो मीडियम फ्लेम करके इसे फ्राई करेंगे हम ताकि ये अच्छी तरह से गोल्डन और क्रिस्पी होकर फ्राई हो। इस तरह से ऊपर से थोड़ा चम्मच की मदद से तेल डालेंगे हम
अब इसे पलट कर सब तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे हम। ये देखिए अच्छी तरह से रोल हमारे गोल्डन होके फ्राई हो गए। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितने ज्यादा क्रिस्पी बने। इसी तरह से बाकी सारे रोल को हम फ्राई कर लेते हैं। ये देख सकते हो आप। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।